सोलन का दिल कहे जाने वाला माल रोड, जिसे जिला प्रशासन सुंदर और स्वच्छ बताने की बात करता है, आज ये माल रोड शहर में ग्रहण की तरह दिख रहा है। जहां नालियां खुली पड़ी हैं, नालियों में गंद अटकेलियां खा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। व्यापारियों ने मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन तक ये बात पहुँचाना चाहते है कि वह माल रोड की सुध लें और इसे जल्द से जल्द ठीक करें। सोलन का दिल कहे जाने वाले माल रोड, जिसे जिला प्रशासन सुंदर और स्वच्छ बनाने की बात करता है, लेकिन ये माल रोड शहर के लिए ग्रहण बनता जा रहा है। जहां नालियां खुली हैं और नालियों में गंदगी देखी जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन है कि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार माल रोड एसोसिएशन जिला प्रशासन के पास जाकर इसकी शिकायत भी कर चुका है, लेकिन महज आश्वासन देकर व्यापारियों को घर भेज दिया जाता है। लोक निर्माण विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि नालियां पहले ढकी हुई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने नालियों को चौड़ा करने की मुहिम चलाई, जिसके चलते माल रोड पर नालियों को तोड़ दिया गया। तब से लेकर आज तक ना नालियां बनी ना ही इन्हें ढका गया। जब नालियों को तोड़ा जा रहा था तो व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन व्यापारियों की किसी ने भी नहीं सुनी। व्यापारियों ने इस मौके पर कहा कि सोलन के माल रोड पर नालियां खुली पड़ी हैं, जिसमें गंदगी यहां आने वाले पर्यटकों और मेहमानों का स्वागत करती हैं। उन्होंने कहा कि नालियां इतनी चौड़ी हैं कि स्कूली बच्चे और राहगीर भी इन नालियों में गिरकर चोट खा सकते हैं। यही नहीं, दुकानों का सामान भी नालियों में गिर रहा है, जिस कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने नालियों को करीब 2 वर्ष पहले तुड़वा तो दिया था, लेकिन उसके बाद इसे ठीक नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से वे जिला प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन आज तक इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। मेरा नाम अजय है और जैसा कि आप देख रहे हैं माल रोड पर यहाँ पे सारी नालियाँ तोड़ दी गई है, और यहाँ तोड़ने के लिए इन्होंने बहुत जल्दी की, लेकिन इसे बनाने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चे स्कूल के इसमें गिर जाते हैं, लोगों का सामान नालियों में बह जाता है, और यहाँ पर जगह जगह कूड़ा इकट्ठा है, और नगर पालिका इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, और जिससे कि मच्छर और अनेक बीमारियां यहां पर फैल रही है। हम ये चाहते हैं कि इस बात को हल्के में ना लिया जाए, बल्कि इसके लिए एक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी इसके लिए एक्शन लिया जाए। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं हमारा ऑफिस सोलन एम्पोरियम मॉल रोड पर है, और काफ़ी महीनों से हमारी जो नाली है इसमें गंदगी चली हुई है, ना इसको भरा गया, हमारी बल्कि इधर नाली भी सीढ़ी भी तोड़ी, लेकिन इसका अभी तक कुछ किया नहीं है, और इसमें गंदगी वही गंदगी आप देख सकते हैं। काफ़ी बारी यहाँ ऊपर में स्कूल है तो काफ़ी बारी बच्चे गिरते हैं, आते जाते गिरते हैं यहाँ पे। जैसे कि कभी कपड़े वगैरह लटके होते हैं तो फिर मतलब हाँ, वो डायरेक्ट पानी में गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं।